यार वीरू आईपैड दिया क्या तुमने? मैं रोहित आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो स्टंप बाइक में कैप्चर हो जाती है चीजें, आई रियली वांट टू नो, कुछ बाय चांस, पहली बात तो ऐसे जो 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 आपने बोला ना यार वीरू पैड दिया क्या? चेक या वीरू इनको पूछ रहे थे रोहित की पैड दिया क्या, पहली दौड़ा को चुका यार बिल्कुल क्योंकि उसके दो दो मैच पहले मैं जीरो पे आउट हो चुका था। हाँ। तो अभी हमको पता है कि एक एक रन बनाना, जब आप दो जीरो करके आए हो तो पहला रन बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो बैट से लग के चौका हो गया था बट अंपायर ने शायद देखा नहीं तो उन्होंने लेग बाय दे दिया था। तो मैं स्कोरबोर्ड देखता नहीं ज़्यादा बैटिंग करते वक्त। हाँ। मेरा ध्यान बैटिंग के ऊपर होता है। तो ओवर जब समाप्त हुआ तो ऐसे ही एक नज़र चला गया वहाँ पे, तो मैंने देखा रोहित शर्मा स्टिल ऑन जीरो। हाँ, स्टिल ऑन जीरो। तो मैंने बोला यार चौका लग गया था फिर अभी भी जीरो कैसे? तो तब मैंने पूछा यार वीरू हाईपैड दिया क्या तुमने? बहुत बढ़िया। तो ये स्टंप माइक के मीम्स बहुत बन रहे हैं रोहित भाई। हाँ। इतने सारे मीम्स बन रहे हैं स्टंप माइक पे, जितनी बातें आ रही अभी तक का आपके फेवरेट जो आपने डायलॉग बोले हैं, जो लाइनें बोली है, हमारे तो डायलॉग होते हैं वो, है ना? एक्टर के लिए डायलॉग होते हैं, इनके लिए लाइनें होती है वो। देखिए मेरा कोई ऐसा फेवरेट लाइन नहीं है। हाँ। मैं ये जानबूझ के नहीं करता हूँ। जब अभी पहले क्या होता था कि अभी मैं कैप्टन हूँ तो स्लिप में खड़ा रहता हूँ। हाँ। क्योंकि स्लिप से जो एंगल्स होते हैं, कहाँ पर फील्डर होना चाहिए और वो जो DRS का जो सिस्टम है वो स्लिप में से थोड़ा सा बेटर पता चलता है, इसीलिए मैं स्लिप में रहता हूँ। और स्लिप में क्या हम लोग बात करते रहते हैं, कीपर और मैं बात करता हूँ, जो शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट पे खड़ा है मैं बात करता हूँ उनके साथ। तो माइक एक्चुअली लोगों के लिए अच्छा है बट लास्ट क्वेश्चन रोहित भाई, एक ऐसी चीज जो स्टंप माइक ने लीक नहीं करी हो अभी तक और आपको लगा शुक्र है यार ये नहीं हुई लीक? नहीं, काफी कुछ लीक नहीं हुआ है। आज कर दो लीक रोहित भाई, आज कर दो, मैं कह रहा हूँ बिलासपुर के लिए ये भी कर दो, मैं कह रहा हूँ। अभी लीक नहीं करूंगा, धर्मशाला वाले मैच में करूंगा। ऑलराइट देन, लेट्स डू दिस। थैंक यू सो मच रोहित।